दिबांग वैली। पहले कभी भी कोई भी ट्रैवलर से ये नाम सुनते थे तो यही सोचते थे कि ऐसा क्या है यहाँ पे जो इतनी दूर से इतनी रिमोट जगह तक लोग पहुँचना चाहते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद समझ आया क्यों लोग इतनी हेक्टिक रूट ट्रैवल करके भी यहाँ एक बार एटलीस्ट आना चाहेंगे। इंडो चाइना बॉर्डर के काफ़ी करीब में लोकेटेड अपर दिबांग वैली कोई भी फोटोग्राफर या ट्रैवलर का ड्रीम डेस्टिनेशन है। बहते हुए दिबांग नदी के तट पे बनी इस घाटी के ज़मीन को बादल चूमते हुए गुजरता है। यहाँ तक पहुँचना मुश्किल तो है पर इट्स वर्थ एवरी पेनी। हाई फ्रेंड्स, दिस इज़ कृष्णा कमिंग बैक विथ अवर फिफ्थ एपिसोड फ्रॉम अनिनी द हेड क्वार्टर्स ऑफ द मैजिकल लैंड ऑफ दिबांग वैली। दिबांग नदी से यहाँ दो शाखाएं निकलती है, ड्री और मथुन, जिनके बीच में अनिनी बसी है। अनिनी से निकल के आगे जाके एक तरफ ड्री वैली और दूसरे तरफ मीपी आता है। आज हम ड्री नदी को साथ लेते हुए ड्री वैली के लिए निकले हैं, जिसे डेम्बिन या चीगू वैली के नाम से भी जाना जाता है। दिबांग वैली का रास्ता काफ़ी अच्छा है। अनिनी से निकल के कुछ दूर तक इन्हीं रस्तों से गुजरते हुए फनल जैसा फील आ रहा था। दोनों तरफ लंबे लंबे घास और कभी कभी नीचे रिवर वैली दिखाई दे रही थी आंख मिचौली खेलते हुई। दूर का पहाड़ जब जब देखने का मौका मिला, पहाड़ों का कलर्स देखकर हैरान रह गए। जब तक आप खुद नहीं देख लेते, आपको यहाँ की कोई भी पिक्चर फोटोशॉप ही लगेगा। बट ट्रस्ट मी, नेचर बिना कोई छेड़खानी किए हुए कितना खूबसूरत हो सकता है वो आपको यहाँ आने के बाद ही समझ आएगा। कोई भी लफ्ज़ काफ़ी नहीं है ड्री वैली की खूबसूरती डिस्क्राइब करने के लिए। वो आपको खुद को ही अपने ही आँखों से परखना होगा। विंटर फेस्टिवल बस खत्म ही हुआ था, जिस वजह से कभी कभी गाड़ियां मिल रही थी इन रस्तों पे। बट आई एम श्योर दूसरा कोई टाइम होता तो ये भी देखना नामुमकिन था। एक तरफ ड्री नदी के किनारे से गुजरती हुई रास्ता और दूसरे साइड में बैरिकेटेड लैंड एंडिंग इन ग्रेजुअली असेंडिंग स्लोप्स और पूरे लैंडस्केप में ऑटम की बर्न फॉलिएज की गोल्डन कलर से एक अलग व्यू बनाई हुई थी। कभी प्लेन लैंड तो कभी रास्ते के दोनों तरफ टॉल अल्पाइन ट्रीज की फॉरेस्ट। द रोड वॉज श्योर मैजिक टू ड्राइव अलॉन्ग। लैंडस्केप वॉज एवर चेंजिंग, जिसमें हम बिना पलके हिलाए डूबते जा रहे थे। लद्दाख देखने के बाद यही लगा था, यही अल्टीमेट है, इससे खूबसूरत लैंडस्केप और मिल नहीं सकता इंडिया में।
यहाँ आने के बाद समझ आया नेचर का क्रिएशन का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता. ईच प्लेस इज ब्यूटिफुल इन इट्स ओन वे एंड डिफरेंट फ्रॉम द अदर. कौन ज्यादा ब्यूटिफुल है इसका कंपटीशन पॉसिबल नहीं. ट्री वैली की लास्ट मोटरेबल विलेज है जेमविन, जो अनिनी से लगभग 32 किलोमीटर डिस्टेंस में है. मोस्ट नोटेबली ये रीजन जाना जाता है अपने ट्रेकिंग रूट्स के लिए. ऑटम एंड विंटर टिल मिड दिसंबर बेस्ट टाइम है यहाँ विजिट और एक्सप्लोर करने के लिए, जब आसमान भी क्लियर रहता है, जमीन सूख जाती है विदाउट मच रेनफॉल ड्यूरिंग दिस पीरियड और नेचुरल कैनवस इज एट इट्स कलरफुल बेस्ट. कश्मीर में जैसे ऑटम कलर्स में चिनार का कलर लैंडस्केप को एक अलग ही लुक से सजाती है, यहाँ का वाइल्ड वेजिटेशन का ब्राइट कलर्स कॉन्ट्रास्टिंग विद सराउंडिंग लैंडस्केप बहुत ही खूबसूरत एंड गॉर्जियस लगता है. लैंडस्केप के साथ साथ रोडस्केप ओवर ईयर इज वन ऑफ द बेस्ट वी हैव कम अक्रॉस एनीवेयर टिल नाउ. नदी के किनारे से ड्राइव करते हुए कुछ देर में हम एनुअली हेल्ड विंटर फेस्टिवल का वैल्यू चीकू रिसोर्ट में पहुंचे. इट वॉज पैकअप ओवर देयर आफ्टर 3 days ऑफ कल्चरल एंड म्यूजिक फेस्ट. मैनेजमेंट से जुड़ी हुई कुछ लोगों को छोड़ के सब जा चुके थे. वहां बनी हुई कैफे में चाय ब्रेक लेके थैंक्स टू द मैनेजमेंट कुछ टाइम वहां रिलैक्स करके हम आगे का वैली एक्सप्लोर करने के लिए निकले. चीगू से आगे जाके मायो आंदो फॉल्स एक ऐसा वाटरफॉल है जहां आप थोड़ा ट्रेक करके पहुंच सकते हो. ड्राइव करते वक्त राइट के तरफ आपको ट्रेक स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा इंडिकेटेड बाय अ स्मॉल बोर्ड, जो ध्यान ना रखो तो मिस होने का चांसेस ज्यादा है. ट्रेक रूट डिफिकल्ट टू नहीं है, बट सिंस इट पासिस थ्रू ह्यूमिड फॉरेस्ट एरिया तो सावधान ना रहो, स्लिप करके गिरने का चांसेस हो सकता है. कुछ 15 मिनट ही लगेगा फॉल तक पहुंचने में, बट इट्स वर्थ एवरी बिट ऑफ इट वंस यू कम अक्रॉस दिस मैसिव टू टायर्ड फॉल जो काफी ऊंचाई से गिर रही है. मायो आंदो फॉल्स के बाद एक दूसरा वाटरफॉल भी है जहां आप थोड़ा चल के उसके पास पहुंच सकते हो. माथो वाटरफॉल जो अचीसो के नज़दीक ग्री नदी के ऊपर से हैंगिंग ब्रिज क्रॉस करके उस पार जाने से आपको मिलेगा. ड्री वैली इज एसेंशियली कॉल्ड द वैली ऑफ वाटरफॉल्स.
दोनों तरफ देखते हुए जाओ तो दाएं बाएं कई सारी वाटरफॉल्स देखने को मिलेगा आपको दूर से, जो काफी बड़े थे वो भी नवंबर एंड जैसे ड्राई सीजन में। आप मई जून में यहाँ आओ तो आई एम श्योर और भी ज्यादा फॉल्स मिलेगा आपको। यू विल गेट टू सी अ फॉल एट अ डिस्टेंस पिपिंग आउट फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द सराउंडिंग डेंस फॉलियज। अब तक हमने व्हाइट सैंड सी बीच का ब्यूटी को लेके बातें करते थे, यहाँ आपको ड्री नदी के व्हाइट सैंड रिवर बीच देखने को मिलेगा। एंड जेलिंग इट विद अ टर्कोस कलर ऑफ ड्री, इट एक्चुअली इज हेवन डाउन हियर। ढलने का टाइम हो गया था और पहाड़ के इस तरफ अंधेरा छा रहा था। अनिनी लौटने से पहले वी टुक अ लास्ट ब्रेक बाय द रिवर। ड्री वैली की सन्नाटा, यहाँ की अनमैच्ड एथेरियल लैंडस्केप ब्यूटी आपको अलग ही दुनिया में ले जाती है। ऐसी जगह की मौजूदगी इंडिया में बहुत कम लोगों को ही पता है, एंड ऑब्वियसली द डिस्टेंस एंड डिफिकल्टी इन रीचिंग दिस रीजन समहाउ एक्ट्स एज अ बून, सिंस इट हैज सर्व्ड इन मेंटेनिंग द वर्जिन ब्यूटी अनटच्ड बाय ह्यूमन इंटरफेरेंस टिल नाउ। नदी के किनारे बैठे पहाड़ों के पीछे दूर दिखाई दे रही आसमान का डस्क कलर्स सनसेट के दौरान याद दिलाए कि होटल वापस जाने का टाइम हो चुका। अगले दिन हमको मीपी के तरफ भी जाना है और उसके बाद बैक टू रोइंग। आज के लिए ड्री वैली से अलविदा कहते हुए हम यहाँ ही खत्म करते हैं विद अ प्रॉमिस टू कम बैक फ्रॉम अनिनी वंस अगेन इन आवर नेक्स्ट एपिसोड। प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू लाइक आवर वीडियोस एंड गेट नोटिफाइड ऑफ आवर ट्रैवल डेस्टिनेशंस। टिल वी कम बैक, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ। थैंक यू।